हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित आर्या और आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में कम्यूटेटर ब्रैकेट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, मुझे इसका डेल अपॉन डेल एक्स कॉमा एफ एक्स इसका मुझे कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करना है। तो इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको किसी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर देते हैं। सपोज मेरे पास एक वेव फंक्शन है, लेट साइन बी द वेव फंक्शन, ये मेरे पास एक वेव फंक्शन है। अब मैं इसको इस वेव फंक्शन के ऊपर क्या करूंगा, ऑपरेट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स कॉमा एफ एक्स इंटू साइन। अब इसको इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे, तो अब देखिए, अब पहले हम इसका क्या करते हैं, कम्यूटेटर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। हमें पता है दो, हमारे पास अगर दो ऑब्जर्वर है ए कॉमा बी, तो इसका जो कम्यूटेटर ब्रैकेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा ए बी माइनस बी ए। तो ऐसे यहाँ पे ये ए है, ये मेरे पास क्या है बी है, तो ये आएगा डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, ये हो गया है। अब इसके बाहर क्या है मेरे पास साइन, अब साइन के अंदर क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स इंटू साइन माइनस एफ एक्स डेल अपॉन डेल एक्स इंटू साइन। अब देखिए, अब ये मेरे पास क्या हो गया, डबल फंक्शन है एफ एक्स इंटू साइन। अब एफ एक्स इंटू साइन का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे डबल फंक्शन है, एक मेरे पास एफ एक्स है, एक मेरे पास क्या है साइन है। साइन भी जो है फंक्शन है किसका, एक्स का। मीन्स जो मेरे पास साइन है ये भी फंक्शन है किसका, एक्स का। तो इसीलिए यहाँ पे डबल डेरिवेटिव वाला रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन ऐसी, सेकंड फंक्शन क्या है साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स प्लस साइन ऐसी डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये हो गया माइनस। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स और डेल साइन अपॉन डेल एक्स, ये हो गया है। अब देखिए ये क्या है, एफ एक्स डेल साइन अपॉन डेल एक्स माइनस एफ एक्स डेल साइन अपॉन डेल एक्स, ये क्या हो गया मेरे, कैंसिल हो गए। क्या बचा मेरे पास, साइन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो इसका जो कम्यूटेटर ब्रैकेट आ गया वो कितना आ गया, यह आ गया डेल अपॉन डेल एक्स कॉमा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। तो साइन से साइन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये आइगन वैल्यूज है। अगर हम इसको इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो ये क्या मिलती है, हमको आइगन वैल्यू मिलती है। तो इसका जो कम्यूटेटर ब्रैकेट आ गया वो आ गया है मेरे पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये मेरे पास क्या आ गया, इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट आ गया है। यानी कि जो फंक्शन था मेरे पास एफ एक्स, जो जो ये फंक्शन था एफ एक्स, ये किसका फंक्शन है, ये एक्स का फंक्शन है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स मतलब एक स्लोप मिलेगा मेरे को एफ का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये इसका क्या था, कम्यूटेटर ब्रैकेट था। अब ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, अब जो भी ये फंक्शन होगा हम यहाँ पे इसको लिख देंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एफ एक्स कॉमा मोमेंटम पी एक्स, ये मोमेंटम है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ये एफ एक्स, ये मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स और ये क्या है मेरे पास मोमेंटम है, ये मेरी मोमेंटम की क्या है फॉर्म है। अब इसको भी हम साइन के ऊपर क्या कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास एफ एक्स कॉमा पी एक्स इंटू साइन। अब यहां पे कम्यूटेटर ब्रैकेट लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स और एफ एक्स, ये हो जाएगा इंटू साइन। जो ये था मेरे पास मोमेंटम, जो मोमेंटम है फंक्शन किसका है, एक्स का, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पी एक्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो मैंने आपको इसको ऐसे लिख लिया है। अब
हमको पता है कि मोमेंटम की फॉर्म होती है, मोमेंटम ऑपरेटर की क्या फॉर्म होती है। हमारे पास जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस आई एच कट डेल। अब ये डेल है यहाँ पे ये क्या है, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे इस डेल को, माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो अब पहले हम साइन की क्या कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स पी एक्स इंटू साइन माइनस पी एक्स एफ एक्स इंटू साइन। अब इस पी एक्स की वैल्यू फॉर्म लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स इंटू साइन, इस वाली पी की वैल्यू लगा दी माइनस, अब इसकी लगाएंगे हम तो माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स इंटू साइन। अब साइन भी जो है फंक्शन है किसका, एक्स का, तो यहां से हमारा देखिए ये माइनस एच कट यहां पे था और माइनस एच कट यहां पे था, हम क्या करते हैं इनको कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस आई एच कट कॉमन आ गया है, क्या बचा एफ एक्स डेल अपॉन डेल एक्स इंटू साइन माइनस डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स इंटू साइन, ये बचा। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स इंटू साइन, यहाँ पे डबल फंक्शन है तो डबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ पे केवल एक फंक्शन है साइन, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस आई एच कट एफ एक्स डेल साइन अपॉन डेल एक्स माइनस, अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा एफ एक्स डेल साइन अपॉन डेल एक्स माइनस साइन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो अब देखिए इससे ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया है, एक माइनस आई एच कट ये है, एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस, तो आई एच कट साइन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया है एफ एक्स कॉमा पी एक्स इंटू साइन इज इक्वल टू आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स इंटू साइन। इस साइन से ये साइन क्या हो जाएगा हमारा, सपोज कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया एफ एक्स कॉमा पी एक्स इज इक्वल टू आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। तो ये क्या आ गई, ये हमारे पास इस कम्यूटेटर ब्रैकेट की क्या आ गई, वैल्यू आ गई आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, ये आ गया हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है एक्स कॉमा एच, ये है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो एच है ये है मेरे पास हैमिल्टोनियन, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है मेरे पास एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस वी एक्स। अब ये मेरा एक्स डायरेक्शन में है तो मोमेंटम भी मेरा एक्स डायरेक्शन में लेंगे हम, तो ये हो गया मेरा मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, ये क्या है मेरे पास हैमिल्टोनियन। अब इस हैमिल्टोनियन की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स कॉमा पी स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस वी एक्स। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो फॉर्मूले के लिए मैंने पीछे एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है ए कॉमा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यह है, इसको वैसे लिख सकते हैं ए कॉमा बी प्लस बी कॉमा सी प्लस सॉरी ए कॉमा बी प्लस ए कॉमा सी प्लस ए कॉमा डी प्लस ए कॉमा ई, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए कॉमा बी ए कॉमा सी ए कॉमा डी। तो ये यहां पे करेंगे, यहां पे एक्स कॉमा ये हो जाएगा मेरा एक्स कॉमा पी स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस एक्स कॉमा बी एक्स, ये आ गया मेरे पास एक्स कॉमा पी स्क्वायर अपॉन टू एम एक्स कॉमा वी एक्स।
अब हम इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। एक मेरे पास ये ब्रैकेट है और एक मेरे पास ये ब्रैकेट है। पहले हम इस वाला ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x कॉमा वी एक्स। तो v मेरे पास, तो ये मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यहाँ पे से पोटेंशियल है, ये क्या होता है मेरे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। और हमको पता है किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ कोई अगर ऑब्जर्वर है तो उसका कम्यूटेटर क्या होता है, जीरो होता है। मीन्स अगर मेरे पास कोई ऑब्जर्वर a है और एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसका जो कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है वो कितना होता है, जीरो। तो वी एक्स मेरे पास, तो ये वी क्या है मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्केलर होती है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास जीरो, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या है ये हमारे पास एक्स कॉमा पी स्क्वायर अपॉन टू एम। अब देखिए 1 अपॉन टू एम क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 1 अपॉन टू एम एक्स कैप और पी स्क्वायर एक्स, ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे। हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, ए कॉमा बी की पावर एन, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये होता है एन बी की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स कॉमा पी। और यहाँ पे जो एक्स कॉमा पी, ये जो कम्यूटेटर होता है इसके लिए एक्स कॉमा पी, इसकी वैल्यू क्या होती है, आई एच कट। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको। तो ये हमारे पास क्या थी क्वांटिटी, ये मेरे पास 1 अपॉन टू एम एक्स कॉमा पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन टू एम इज इक्वल टू। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए पावर 2 है, यहाँ पे पावर n थी, यहाँ पे पावर कितनी है 2 है, तो 2 मेरा ऐसे आ जाएगा p 2 माइनस 1 और एक्स कॉमा पी, ये हो गया है। तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 2 एम 2 पी और एक्स कॉमा पी कितना हो जाएगा आई एच कट। तो ये आ गया मेरे पास आई एच कट, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आई एच कट पी अपॉन एन। देखिए ये आ गया मेरे पास आई एच कट पी अपॉन एन। तो इसकी जो वैल्यू आई है, इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है मेरे पास, वो आई है एक्स p स्क्वायर अपॉन 2 एम, ये हो गया है मेरे पास इसकी वैल्यू, ये आई है। और इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू मेरे पास जीरो थी। तो इसकी आंसर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास i h कट p अपॉन m। अब p अपॉन m क्या होता है मेरे पास, p अपॉन m होता है मेरे पास वेलोसिटी। कैसे, p इज इक्वल टू कितनी होती है एम बी, और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा p अपॉन m। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिखते नहीं है फिर भी हम आपको बता रहे हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई एच कट वी, वी फॉर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है लेकिन हम इसको ऐसे लिखते नहीं है, इसका मतलब है पी अपॉन एम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला, और इसकी वैल्यू भी क्या है आई एच कट अपॉन, अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब भी यही है पी स्क्वायर अपॉन टू एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई एच कट पी अपॉन एम। तो इन दोनों की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए क्योंकि इस पे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, हम देखते हैं इस पे हमारे पास कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि ये हमारे पास एक्स कॉमा एच, हमें इसका क्या फाइंड करना है, कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करना है इसका। तो अब देखिए यहां पे ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा, एक्स कॉमा एच की वैल्यू क्या थी हमारे पास आई एच तक पी अपॉन टू एम। ये दो कम्यूटेटर ब्रैकेट हमको याद होने चाहिए इससे कि हमारा कम से कम टाइम वेस्ट हो, क्योंकि हम इजीली इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। नहीं तो आप पहले इसकी वैल्यू फाइंड करोगे, फिर आप इसमें इसको पुट करोगे, फिर आप इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करोगे, तो इसमें जो हमारा टाइम होता है वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। इसलिए ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो अब यहाँ पे एक्स कॉमा एच का हमें क्या फाइंड करना है,
कम्यूटेटर रिलेशन फाइंड करना है, तो डायरेक्ट मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स कॉमा आई एच कट पी अपॉन एम। अब देखिए आई एच कट एम क्या हो गया, मेरा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो आई एच कट अपॉन एम मेरा बाहर आ गया है, ये क्या हो गया एक्स कॉमा पी। अब एक्स कॉमा पी की वैल्यू हमको पता होती है, एक्स कॉमा पी हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास आई एच कट, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आई एच कट अपॉन एम और आई एच कट और आई और आई हो जाएगा हमारे पास आई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम, तो ये हो गया मेरे पास आई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम सॉरी अपॉन एम। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है मेरे पास माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन एम। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया मेरे पास आई नहीं इसका आंसर आ गया माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन एम, जो मेरे पास कम्यूटेटर ब्रैकेट था एक्स कॉमा एच, इसका आंसर आएगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन एम, यह है मेरे पास इसका आंसर। तो ये हमारे पास इसका क्या है आंसर आ गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि एक्स स्क्वायर कॉमा पी स्क्वायर, अब हमें इस तरह का करना है कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करना है, तो इसके लिए मेरे पास पहले दो फॉर्मूले हमें अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है एक्स स्क्वायर कॉमा पी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी और वो फॉर्मूले मेरे पास कुछ इस तरीके से हैं ए कॉमा बी सी। इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होता है, देखिए यहाँ पे ए कॉमा बी सी, कॉमा के बाद क्या आ रहा है हमारा बी सी आ रहा है, तो ए की पहले बी के साथ फिर ए की सी के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए कॉमा बी और प्लस फिर हो जाएगा मेरे पास ए कॉमा सी। अब देखिए ये जब सी है ये बी के बाद आ रहा है तो यहाँ पे लगा देंगे सी, और इस सी से पहले क्या आ रहा है बी आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा बी। कॉमा के बाद वाले टर्म हम यहाँ पे चेक करेंगे, इसके बाद एक होता है मेरे पास ए बी कॉमा सी, तो अब देखिए यहाँ पे कॉमा के बाद क्या है सी, तो सी के पहले ए के साथ फिर सी की बी के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए कॉमा सी और प्लस और फिर क्या आएगा मेरे पास बी कॉमा सी। तो देखिए बी से पहले क्या आ रहा है ए आ रहा है और यहाँ पे ए के बाद क्या आ रहा है बी आ रहा है, तो ये हो गया मेरे पास फॉर्मूला। तो बस अब इन फॉर्मूलों का क्या हम यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे यूज करते हैं। तो अब देखिए मैं इस पी को दो बार लिख लेता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर पी पी, तो ये पी हो गया मेरे पास, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया मेरे पास सी, तो ये वाली फॉर्म बन गई हमारे पास। अब इस फॉर्म का हम सब फॉर्मूला पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ये हो गया ए, तो ए का पहले पी इस वाले पी के साथ मल्टीप्लाई फिर इसका इस वाले पी के साथ, यानी कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमा पी प्लस एक्स स्क्वायर कॉमा पी, तो एक पी हमारे पास ये रहा, ये मेरे पास बी था तो यहां आ गया एक पी मेरे पास यहां आ जाएगा ये रहा। अब यहां हो गया एक्स स्क्वायर कॉमा पी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं टू आई एच कट एक्स कॉमा पी सॉरी इसको मैं लिख सकता हूं टू एक्स एक्स कॉमा पी प्लस हाँ। तो अब देखिए यहां पे फॉर्मूला बनना है, यहां पे कौन सा फॉर्मूला बनना है एक्स स्क्वायर कॉमा पी, और एक्स स्क्वायर कॉमा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा मेरे पास टू एक्स ब्रैकेट में एक्स कॉमा पी और फिर ये वाला पी यहां आ गया प्लस ये वाला पी ये रहा, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो कितना आ जाएगा टू एक्स और
एक्स कोमा पी ये आ गया मेरे पास, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2x, इसकी वैल्यू कितनी होती है आई एच कट, ये हो गया आई एच कट पी प्लस ये हो गया मेरे पास 2, ये वाला p x, इसकी वैल्यू क्या हो गई आई एच कट। तो देखिए 2 आई एच कट कॉमन आ रहा है, 2 इसमें है, 2 इसमें आई कट और आई एच कट इसमें है, तो 2 आई एच कट क्या आ गया मेरे पास कॉमन, ये हो गया एक्स पी प्लस ये हो गया पी एक्स। तो ये आ गया मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक्स स्क्वायर कॉमा पी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये होती है, ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास ये था।